मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। तो भाई आज है 2022 का पहला दिन है, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को वंस अगेन। और भाई अभी टाइम हो रहा है 8:17, हमको निकलना था वैसे 4 बजे की बोल रहा था, देख लो ये। अब वही बात है, कल भी इसने लेट करवाया आने में और आज भी। ओ भाई यही है वो शख्स। मैंने कोई लेट नहीं करवाया, ठीक है भाई हम 4 बजे उठ गए थे और तू उठा 7:30 बजे, ठीक है। हर बार लेट के ड्रामे क्या मतलब है। तो भाई अभी निकल रहे हम, और ये मत सोचना टी शर्ट में हवा बज नहीं है कुछ भाई। अभी मेरी जैकेट नीचे पड़ी हुई है गाड़ी में, वहां गाड़ी में जाकर पहनूंगा। और टेम्परेचर कितना हो रहा भाई अभी? 7-8 सुबह कितना था? 4 बजे सुबह 4 बजे -16 सुबह भाई -16 था। हाँ 6 बजे जब चेक करा था सुबह 6 बजे तक -16 टेम्परेचर था, अभी जाके -8 हुआ है। हमने इनके रूम की क्या हालत बना दी है। हाँ ट्रॉली ले गया, वो अपना सामान वगैरह चेक कर लेते हैं एक बार, ढंग से सामान वगैरह चेक कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। निकल लिया, अपना बैग ले लिया है, बाकी और सामान सब ले गए हैं। हाँ भाई गाड़ी स्टार्ट कर ली। ओ भाई हिमाचल हिमाचल बंदा बन गया है। क्या हुआ भाई? कोई रिस्पॉन्स देख रगड़ गया। और यार कल एक गाड़ी वाला आया तो पीछे था, उसने डिग्गी मारी थी, देखना थोड़ी डिग्गी भाई। पहले तो बात ऐसी है, मेरी जैकेट थे अंदर थे, अब लगी ना ठंड भाई। अरे टी शर्ट में ना घूम रहा भाई, जैकेट नीचे गाड़ी पड़ी थी यार। यार गाड़ी 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 तो भाई जैकेट पहन लेते हैं। वो जवान हो रहा सर, ये देखो जवान हो रहा भाई। क्या मोटी जैकेट पहन, हवाबाजी ये देखो भाई, हवाबाजी में कोई नहीं, अपनी रजाई पहन लो। यो मैन हिमाचल बॉय, हिमाचल बॉय, हिमाचल बॉय, हिमाचल बॉय। बाकी नजारा दिखाओ आगे का, ये देखिए। चलो ठीक है यार, ना बढ़िया लग रहा है भाई की कैब, कोई दिक्कत ना है। बताना भाई कमेंट करके भाई की कैब कैसी लग रही है। हाँ भाई ये कटवा लो, भैया हम निकलते हैं आगे। चलो भाई चलना भाई, चलो भाई चलो, बोल शंकर भगवान की जय। चलो भाई चलते हैं। तो भैया अटल टनल के लिए कर लिए हैं। टनल कितने बजे खुलेगा? 9 बजे खुलेगी, 24 किलोमीटर है यहाँ से अटल टनल। 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर, लेकिन जाम मिल गया तो बुरा हाल हो जाएगा हमारा। उसके बाद कहाँ जाना है? आगे की तरफ जाना है, और उसके बाद शिशु क्या व्यू आ रहा पहाड़ियों का। अभी हुआ था ना 3-4 दिन पहले स्नोफॉल हुआ, जब किए यार हरियाणा लेके चल रहा है हरियाणा के मारा कैसी रहे भाई सारे, पर हम तो कभी वही ना है। हम तो ना पीवे, खैर हम शरीफ वाला है भाई, मर दर दो से रहे पीवे। तो आपको ना मिल रहा थी शेर, तो भाई खून भी पीवे। पांच किलोमीटर भी ना है जाम, देख कितना गड़ा बता रहा भाई, 5 किलोमीटर का जाम बता रहा है। टनल कितनी दूर है? टनल कितनी दूर है भाई? टनल तो है काफी है, यहाँ से 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर और जाम बता रहे पूरा 5 किलोमीटर। इस बार मुझे लग गया सोलांग से जाम स्टार्ट है, तो 20 किलोमीटर का ही जाम है, ये लगा ले। मनाली से 2-1 किलोमीटर ही चले हैं और इतना जाम लग गया है ना, मतलब देखो आप यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक लेके और आगे तक जाम लग रहा है। आपने दिख रही हो तो गाड़ी है, देखो देखो गाड़ी गुड्डी है सारी, गाड़ी आगे तक जाम लगा पड़ा है। अभी भाई बता रहा था, भाई
दिखाया था जो पिछली लिप में, वो बता रहा कम से कम 5 किलोमीटर का जाम लगा रहा बताया। तो भाई देखो कब तक खुला है जाम, कब पहुँचे। तो अभी हम तो एक नाभी पर रुक गए, मगर इतना कुछ खाई लेते हैं जो जाम में, क्योंकि पूरा ब्लॉक पड़ा है, गाड़ी हमने बंद करके खड़ी कर ली है यहाँ पे। तो भाई मगर इतना कुछ ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। तो अभी एक ढाबे पर रुके थे, फिर देखे ना भाई जिप लाइन करता करता वहाँ लग रहा था और बीच में अटक गया। देखो अब हाथ तक करके जान लग रहा भाई। ये ऐसा ही सीन है यहाँ का, जल्दी से खुल जाए यार। अब देखो टनल पार हो पाएगा या नहीं पाएगा, अगर टनल पार हो गया तो भाई व्यू अलग ही है वहाँ का, तो उसकी तो बात अलग ही बता रहे हैं, सब बताते हैं जो भी, उसकी तो बात अलग ही है। बाकी बर्फ़ का नज़ारा तो यहाँ से भी दिख रहा है, मौसम तो यहाँ भी एक नंबर का हो रहा है। तो चलो भाई अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते आगे तो क्या सीन है, अगर खुल जाएगा तो निकलते आगे, नहीं तो फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं। भाई हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, पराठे पराठे खा लेते हैं फिर निकलते हैं आगे के लिए। भाई ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और भाई जाम देख रहे हो आप, जैसा था वैसे के वैसे ही लगा हुआ वहीं तक आगे तक। फिलहाल टाइम हो गया 9:49 और भाई हम कम से कम घास पे 1 घंटे से खड़े हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। भाई ब्रेकफास्ट हो गया है और यहीं पे करा है हमने, इसी भाई के पास किया, भाई ने एक नंबर का ब्रेकफास्ट करा है। ये लगा लो करीबन 1 घंटा हो गया, ब्रेकफास्ट भी कम कर लिया, अभी तक थोड़ी सी भी गाड़ी ना सर के टेम्पो ट्रेवल यहाँ, मतलब यहाँ खड़ा था यहाँ पर, वही यहाँ खड़ा था जब हम आए थे ना, और ये खड़ा 3 गाड़ी आ गई है बस। तो भाई ब्रेकफास्ट भी कर लिया हमने, अपने इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह भी बना लिया। गाड़ी ना सर की भाई, और सोलांग वैली यहाँ से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का तो ये जाम है ही है, उसके बाद 15 किलोमीटर आगे हो रहा है टनल, तो वो स्लिपरी रोड हो रखा है तो इसलिए जाम है। अभी देखते हैं यार कैसे खुलेगा, कैसे क्या बीमारी है। सोलांग वैली तक तो जाम बता ही रहे हैं, और अटल टनल वहां से है कितना है 15 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर वहां से अटल टनल, उसके बाद आ जाता है स्लिपरी रोड सारा, क्योंकि स्नोफॉल रखी है पहले हुई थी तो सारा ब्लैक आइस हुई हुई है, तो वहाँ पे पूरी जाम है, मतलब क्योंकि गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती है तो पूरा जाम लगा हुआ है। अब देखते हैं कब तक वेट करते हैं यहाँ पे। हाँ भाई जाम है भाई, देख के आए हो, जाम है बहुत बहुत जाम है, तगड़ा जाम है, खतरनाक कितना जाम है अभी, कितना जाम दिख रहा है आगे, जाम पूरा जाम ही जाम है भाई। क्या करना है फिर, हम ये बोल रहे थे अगर हमारा एक प्लान है, मतलब अंजनी महादेव या उस तरफ निकल जाए आज कल शाम, मतलब शाम अगर रात को आ जाए यहाँ पे 4 बजे के आसपास। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, टनल के पास अब पता नहीं कब तक तो जाम खुलेगा, कब तक वेट करें। तो वही तो बोला खड़े होने से तो कोई फायदा नहीं, तो भाई खड़ा होने से फायदा नहीं, पीछे में तो जाम है पीछे में। बाबा गाड़ी कर लो अभी ऑफ, भाई ऑफ कर ले, ऑफ तो मैं वो तो ये जब थोड़ी सर की ना गाड़ी मगर ले थोड़ी सर के जाओगे ना भाई, पूरा ब्लॉक पड़ा है तुमने फिर भाई पास कर दिया, उसके बाद भी जब तक जाम ही है। इधर आ जा मेरे तो लैपटॉप दे दे, मैं पर एडिटिंग मार लूं अपनी। चल ठीक है मैं आता हूँ, तू एडिट कर ले अपना ब्लॉग। स्लिप होते हैं और कोई कोई यहाँ देखिए ब्रेक मार दे, ब्रेक मार देगी तो आवाज करेंगे ब्रेक भी। अच्छा देख लियो भाई, पूरे रोड पे भी बर्फ हो रही है, ट्रैक्शन छोड़ रही है ना गाड़ी, देखो फ्रिक्शन एकदम ब्लैक आइस हो रही है साइड साइड में ना, ट्रैक्शन छोड़ देती है। देखो भाई बढ़िया सन हो रही है, तो ऐसा ऐसा सुअर की औलाद है ना, सुअर की औलाद हां, तो बिना मतलब उल्टे पैदा हुए साले, बर्फ पर चलेंगे। एक बार टायर स्लिप हुआ और ये नीचे खाई में, इन्हें समझ में आ जाएगी बर्फ का। भाई यहाँ पर तो धीरे धीरे चलना चाहिए, सेफ्टी मैटर, सेफ्टी फर्स्ट, जीवन में दोबारा भी आ सकते हो साला, आज ही है।
जाम तो खुल गया था सोलंग वैली, हमने सोलंग वैली से आगे आ गए हैं और ये नजारा देखो क्या बात है यार, क्या व्यू आ रहा है, एक नंबर व्यू आ रहा है कपिल भाई, एक नंबर भाई, हमें ड्राइवर साहब मजा आ रहा है, नहीं ड्राइवर साहब का दिमाग खराब हो रहा है, स्लिप नहीं हो रही गाड़ी भाई, एक नंबर व्यू आ रहा है, बाकी है ना अभी व्यू अटल टनल के बाद और मस्त व्यू आ जाएगा, अभी मतलब बर्फ कम है यहाँ पे देखो, जब टनल पार कर लेंगे ना उसके बाद सिसु साइड जाएंगे वहां पे है एक नंबर का भी। ये हम अटल टनल के अंदर एंटर कर रहे हैं, देखो अब इसका व्यू देख लो आप यहाँ पे और इसके बाहर का व्यू देखना आप, ये अटल टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं हम, यहाँ की जो स्पीड है 40 का मौसम है, एक नंबर बना दिया भाई, किलोमीटर की है ये 9 किलोमीटर की है भाई, 9 किलोमीटर की है, कालीकटा सीधा है ये सीधा, अब तो स्पीति वैली, स्पीति वैली है, और दूसरा ये कितना किलोमीटर काट देता है, 100 किलोमीटर क्या, हाँ ये रोहतांग जो रोहतांग का रूट था ना हाँ। 100 किलोमीटर का था, उसको ये कम कर देता है, मतलब वो 100 किलोमीटर हटा देता है साइड में, क्योंकि वो पहाड़ी घूम घूम के जाना पड़ता है ना, तो ये सीधा का सीधा 9 किलोमीटर अपनी टनल पार करो और सीधा 100 किलोमीटर अपने उसका 60 की स्पीड है टनल निकले हम, और ये देखो आप जन्नत में आ गए, क्या बात है, ये तो पूरी जन्नत में आ गए हम, हमारी यात्रा तो सफल हो गई भाई कपिल, यात्रा सफल हो गई, क्या नजारे हैं यार, लबालब भरी पड़ी है बर्फ के, दी ये नीचे कितने टूरिस्ट हैं, सुनो कितनी बर्फ, टूरिस्ट दिखा कपिल, मतलब यार टनल जैसे ये पार्क है ना, देख लो आप पार करते के साथ ही बिल्कुल अलग ही माउंटेन आ जाते हैं, एक नंबर नजारा भाई।